एज एन एक्चुअल प्रोफेशनल जो एग्जाम्स भी दे रहा है, हाँ. तो कैसे अपना वीकेंड स्पेंड करते हो तुम? अपना पर्सनल बताओ सब कुछ. फ्री टाइम में क्या करते हो? किसी दिन लीव है अगर नेशनल हॉलीडे, उस दिन क्या कर रहे हो? हाउ डू यू स्पेंड योर वीकेंड्स एज अ एक्चुअल प्रोफेशनल? सो टू आंसर दैट, मैं टाइमलाइन थोड़ा ब्रेक कर देता हूँ. एग्जाम्स के जस्ट पहले और जस्ट आफ्टर एग्जाम जब थोड़ा सा लीव रहता है, राइट. सो अगर एग्जाम खत्म हो रखा है एंड यू हैव सम टाइम, तो वो सब कुछ कर लो तुमने एग्जाम के लिए छोड़ा था. मैं पर्सनली ऐसे में करता हूँ. एक तो हाउस होल्ड चोर हटा दो, वो तो जिसको भी करना ही पड़ेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, एक चीज़ मैं करता हूँ, जब मैं दिल्ली में रहता था ना, गुड़गांव दिल्ली में रहता था, तब वहाँ पे ना हेरिटेज वॉक्स बहुत होते हैं. वहाँ पे आप एवरी वीकेंड में जाओ, आपको कल्चरल हेरिटेज वॉक्स बहुत लेके जाएंगे मॉन्यूमेंट्स में. और तो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगता था, मैं वो करता था. मैं उर्दू पोइट्री का बहुत फॉलो करता हूँ, तो वो सारे इवेंट्स में भी जाता था, रेखता फाउंडेशन है ना, तो वो सब मैं करता था ऑन वीकेंड्स. एग्जाम जस्ट खत्म हो रखा है, ठीक है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अब आते रूटीन में. अब काम चल रहा है, काम भी करो, पढ़ना ही पड़ेगा. सो वीकेंड्स इज एज आई सेड इन माय अर्लियर वीडियोस एज वेल, वीकेंड मतलब स्टडीज. कोई दो राय है नहीं उस पर, आपको पढ़ना पड़ेगा इतना हो सके. बट ऐसा भी नहीं कि जीना छोड़ दोगे आप. जैसे मैं रूटीन अगर आप पूछोगे, तो सुबह मैं अर्ली राइज करता हूँ, ठीक है. मैं रात को जाग नहीं पाता मैं, तो मैं अर्ली उठता हूँ, थोड़ा पढ़ लेता हूँ, फिर मैं जिम जाता हूँ. जिम से आने के बाद घर काम कर लिया, उसके बाद वापस पढ़ा. बीच में लंच के पहले मैं थोड़ा वेब सीरीज देख लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा माइंड को गैप मिल जाता है. लंच के बाद वापस पढ़ाई किया. बट उसके बाद जो थोड़ा सा टाइम बचता है ना, इन दैट इवनिंग वाला पोर्शन, वहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्टिविटी घुसाता हूँ. दैट एक्टिविटी कैन चेंज फॉर एवरीवन. जिसको डांस पसंद है वो डांस स्कूल चल जाओ. जैसे मेरा क्या था कि मैं अपने कलीग्स के साथ एनी वन स्पोर्ट, बीट क्रिकेट या बैडमिंटन, कोर्ट बुक कर लो, टर्फ बुक कर लो, खेलो यार, अभी तो उम्र है. तो वही था वीकेंड की कहानी, कि थोड़ा सा वीकेंड में ये सब एक्टिविटीज़ भी कर लिया. हाँ, पार्टी वार्टी मैं बहुत करता हूँ, अभी भी करता हूँ. बट वही है कि एग्जाम के पहले सब छोड़ना पड़ेगा एकदम. सो एग्जाम के कितना पहले? वन मंथ, टू मंथ, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, आई वुड से. बट मैं ज़्यादा प्रूडेंट हूँ, बिकॉज बी इन एक्चुअली हैव टू बी प्रूडेंट. एंड तो मैं एग्जाम के दो महीने पहले कट ऑफ, सब बंद. उससे पहले लिमिट होता था, बट दो महीने पहले सब कट ऑफ. एंड यही. एंड वन थिंग यू आस्क, कि अगर सपोज कोई पब्लिक हॉलीडे हो गया या फिर कोई लीव मिल गई, सो मैं तो बोलूँगा कि इसको जितना हो सके यूटिलाइज कर लो. करेक्ट. घर में बैठे बैठे इंस्टा स्कोर मत कर लो इसमें. तो अगर ऐसा कोई छुट्टी मिल गई बाई चांस, जैसे अगर मैं बताऊँ यूएस में, यूके में क्रिसमस का छुट्टी रहता है, एक क्रिसमस में पूरा वीक छुट्टी दे देते हैं, आई तो घूमने चल जाओ. बट अगर घूमने नहीं जा रहे हो, सो डू एवरी अनप्रोडक्टिव वर्क, ताकि तुम्हारे वीकेंड्स खाली हो जाए टू स्टडी. बिकॉज तुम रूटीन उतना इजीली चेंज नहीं कर पाओगे. तुमको आज अगर बोले कि मंडे पूरा दिन पढ़ना है, तुम बोलोगे यार मेरे को वीकेंड में तो पढ़ना ही पढ़ना है, वापस मंडे क्या पढ़ूंगा. तो एक ऐसे ऐसे काम कर लो जो तुम उतने प्रोडक्टिव फील नहीं करते उसमें, ताकि टाइम का बेटर यूटिलाइज हो जाए. ओके. एंड आई एम अ स्ट्रिक्ट एडवोकेट ऑफ दिस इंस्टाग्राम थिंग, कि ज्यादा फ्री टाइम मिलने से बस स्क्रॉल करना नहीं. मैं तो बोलूंगा टाइम यूटिलाइज करो ना अच्छे से. तुम्हारे पास टाइम एक ऐसी करेंसी है जो बहुत लिमिटेड है इन एन एक्चुअली, इन अ वर्किंग एक्चुअली. आप क्वालिफाइड के बाद, बट उसमें ज़्यादा चैलेंजेस आ जाते हैं, आपका फैमिली स्टार्ट हो जाता है एंड ऑल. सो आफ्टर क्वालिफिकेशन डिफरेंट चैलेंजेस, बिफोर क्वालिफिकेशन डिफरेंट चैलेंजेस. द थिंग विच इज डिसिप्लिन, एब्सोल्युटली. आई मीन उसमें, एंड या दैट्स हाउ माय वीकेंड लुक लाइक. मैं ऐसा कुछ तूफानी नहीं करता हूँ. जितना हो सके इन्जॉय करता हूँ लाइफ को, ताकि एग्जाम के पहले जो ग्राइंड हो ना, एक मोटिवेशन मिलेगा एग्जाम के बाद मैं वापस करूंगा. हाँ. तो एक है एंड कंसिस्टेंसी एग्जाम के तुरंत बाद. अब जैसे तुम्हारा एग्जाम हुआ अभी अप्रैल का चल रहा है, तो तुरंत आफ्टर मे बी वन वीक ब्रेक के बाद यू हैव टू स्टार्ट विद योर नेक्स्ट पेपर. यस यस, यू हैव टू, लाइक यू कांट अफोर्ड अ लॉन्ग ब्रेक आफ्टर एग्जाम, राइट? बिकॉज ऑल्सो एग्जाम का रिजल्ट कब निकलता है? दो महीना बाद, जून जुलाई फर्स्ट. हाँ, तीन महीना. तो उसके बाद टू मंथ्स रहता है खाली. एग्जैक्टली. तो तुम अगर अभी ब्रेक दे दोगे एग्जाम में, अगर तुम बाई चांस फेल कर गए, तो तुम सपोज पास कर गए तुम अच्छे से, तो तुमको दो महीना मिलता है प्रिपरेशन का. तुमको वो सफिशियंट नहीं, इवन फॉर बेसिक पेपर्स लाइक CP2 एंड CB नहीं कर सकते. तो तुमको एग्जाम के जस्ट बाद ही स्टार्ट कर देना चाहिए, माय सजेशन. एंड स्टार्ट ऐसे करना चाहिए कि यू आर सीरियस अबाउट इट. ऐसा नहीं कि बस किताब खोल लिया, एक पेज घुमा लिया, ऐसा नहीं. एक डिसिप्लिन कर लो, बट वीकेंड्स एंजॉय करो, बिकॉज वी लिव फॉर वीकेंड्स एज अ वर्किंग प्रोफेशनल. राइट, एब्सोल्युटली.